सज गया है बप्पा का दरबार। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। गणेश चतुर्थी के दिन यानी आज भगवान गणेश का जन्म माना जाता है और इसलिए आज से गणेश उत्सव की शुरुआत होती है। मुंबई में लोगों में गणेश उत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लालबाग के राजा श्री सिद्धिविनायक मंदिर की, इसके अलावा GSB सबसे महंगे गणपति कहे जाते हैं वहाँ की पहली झलक, और इसके साथ ही अल्ट्रा माउंट जो रोड है वहाँ के आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आराधना के लिए सुबह सुबह भक्तों की भीड़ इन तमाम पंडालों में जुटी हुई है और यही नहीं, फिल्मी सितारे भी गणपति के उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। शिल्पा शेट्टी हर साल धूमधाम से गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाती है, वहीं सुनील शेट्टी ने गणपति उत्सव से पाकिस्तान को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। मुंबई ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आप 5 तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुनील शेट्टी सितारों की जो गणपति है उसकी तस्वीरें, इको फ्रेंडली गणपति मनाई जा रही है, शिल्पा शेट्टी बड़ी धूमधाम से मनाती हैं और सुनील शेट्टी ने गणपति से प्रार्थना की है कि वो पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे। तो सितारे या आम सभी पूरी तरह से इस वक्त बप्पा के जश्न में डूबे हुए हैं। और गणपति उत्सव की मुंबई के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की तैयारी है, किस तरह से लोग निकले हैं, तमाम तस्वीरों के साथ हमारे 2 सहयोगी नेहा सिंह और सौरभ पांडे जुड़े हैं। नेहा, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और सुबह से किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल प्रशांत, सबसे पहले आपको और दर्शकों को जो घर से बाहर नहीं आ सकते, टीवी स्क्रीन के माध्यम से हम उनको दर्शन कराना चाहेंगे। मैं ये आपको बता दूं कि मैं गणेश गली में मौजूद हूँ जो कि लालबाग के राजा के बगल में ही होता है। सबसे पुराना मंडल है गणेश गली, अगर कहा जाए 92 ईयर्स से यहाँ गणपति को स्थापित किया जाता है और हर साल गणेश गली ये प्रयास करता है कि लोगों को अलग अलग देश के अलग अलग फेमस टेम्पल के दर्शन कराया जाए। इस बार जो थीम है इस गणपति का, यहाँ राम मंदिर बनाया गया है, अयोध्या के राम मंदिर यहाँ बनाया गया है। साथ ही जो गणपति की मूर्ति है उन्हें भी राम का अवतार में बनाया गया है। अगर मैं यहाँ के गणपति की बात करूँ तो जो गणपति पे आप गोल देख रहे हो वो 5.5 किलो का जो हार है वो, और जो आप पैरों में देख रहे हो वो 1.5 किलो का है। साथ ही इंश्योरेंस को लेकर भी ये हर मंडल पुख्ता इंतजाम करता है, चाहे वो लोगों की सेफ्टी को लेकर हो या वॉलेंटियर्स को लेकर हो। तो कुल अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो 6.5 करोड़ का पिछले साल लिया गया था और इस साल 1 करोड़ बढ़ाकर 7.5 करोड़ का इंश्योरेंस गणेश गली ने इस बार कवर लिया है, ताकि कोई भी हादसा हो, चाहे वो सेफ्टी मेजर्स हो, टेररिस्ट अटैक हो, इन सबको मद्देनजर रखते हुए गणेश गली ने इस बार इंश्योरेंस कवर भी लिया है हर साल की तरह। कहा जा रहा था कि शायद कई दिनों से मुंबई में बारिश नहीं थी तो शायद ऐसा सबको ये था अनुमान कि इस बार शायद बारिश हो, लेकिन बारिश अब तक नहीं हुई है और सुबह 5 बजे से लोग दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। मैं आपको बाहर की कुछ देर में तस्वीर दिखाऊंगी, हुजूम मचा है, हर कोई आ रहा है और बप्पा का दर्शन ले रहा है। बिल्कुल, सौरभ पांडे हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी जो रंगत है वो इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रही है, जाना चाहेंगे किस जगह आप मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी प्रशांत, सबसे पहले आपको और जी मीडिया के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, ओम गण गणपतये नमः और गणपति बप्पा मौर्या के ये मंत्र उच्चारण के साथ देश भर में और जितने भी बड़े बड़े पंडाल हैं या गर्भवती गणपति है वहाँ पे सभी दर्शकों ने और सभी भक्तों ने जो है गणपति जी की स्थापना कर दी है। हम आपको बताते हैं कि इस समय हम मुंबई के सबसे बड़े गणपति GSB पंडाल में खड़े हैं जो कि 65 साल पुरानी मंडल है, और यहाँ पे अगर बात करें गणपति बप्पा की तो गणपति बप्पा को देख के ऐसा लगता है कि साक्षात गणेश जी पधारे हैं, और साथ ही साथ अगर उनके मुकुट की और सिंहासन की बात करें तो इस बार गणपति बप्पा को 68 किलो सोना चढ़ाया गया है और जो आप सिंहासन देख रहे हैं वो करीब 264 किलो का है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तों का भारी हुजूम वहाँ उमड़ा है बप्पा को आशीर्वाद लेने के लिए, बप्पा के दर्शन करने के लिए। और साथ ही साथ अगर एक बात और बताएं कि अगर बात करें श्रद्धा जो है किसी
तराजू में तोला नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे एक तोला तराजू भी रखा गया है जहाँ भक्त आते हैं और उनकी जो है मन्नत पूरी होने के बाद उसके अनुसार अपने वजन के अनुसार जो है हर चीज़ का दान करते हैं, चाहे वो अन्न हो, चावल हो, दाल हो, गेहूँ हो या नारियल हो। तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धा और भावना किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, और भक्ति अगर देखा जाए तो गणेश भक्तों में कभी भी कमी नहीं देखा जा सकता भक्ति का। प्रशांत बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सौरभ नेहा आप दोनों का, हम तक बड़ी ही खूबसूरत मनमोहक तस्वीरें आपने गणेश उत्सव की पहुंचाई, और दो अलग अलग जो दर्शक दूर हैं उनको कहीं ना कहीं दर्शन का सौभाग्य मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।